से मारूंगा तू, तमीज नहीं है बड़े भाई से बात करने की। जो भी करना है ना जाके अबू से बात करे। कल अबू ने बताया था, कल से परेशान किया उन्होंने। क्या बात, कमरा मैंने लेना है, मैंने लेना। लेकिन मिलजुल के रहे, सर्दियाँ तो निकालें, बाद में देखेंगे, बच्चों के लिए भी बना लेंगे। नहीं नहीं कसर रोए नहीं, सब्र करें यार, जब भी आपको देखता हूँ रो रही होती है। देखिए जी माशाल्लाह सूरज जो है निकल आया है, और बाकी देखिए हमें जो है घास डाल रही है इन मवेशियों को, अभी एक बछड़ा खोला है। पुत्रे अट गई है, इधर नंबर मांग लिया तो आके मैं फिर आप बात करूंगा, ये क्या तरीका हमारे बहे तो। हाँ जी पुत्र, ओ मेरा बेटा स्टेना पुत्रे। तो इसे बोला भी है कि शाल पहन के आओ, कहती है नहीं। हाँ बोला ना कि खाने की कोई चीज ले आए ना। हाँ प्याज काट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिर फाट होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, बाद रहे हंसते मुस्कराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ठीक है, माशाल्लाह घर में भी सब ठीक है। जो हमारा चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, जितने हो सके वीडियो को आगे शेयर करें। तो आज के ब्लॉग ज़बरदस्त होने वाला है, रहना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट कर लें, वीडियो जो है फॉलो वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो जो बीमार है अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उसे नए औलाद दे, जो मजबूर है चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक उसे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए अभी इसमें दूध डाला है, अभी पानी नहीं डाला, तो इसमें पानी डालती हूँ और उसके बाद जो है चाय बनाते हैं। इधर अम्मी को देखिए, अम्मी जो है घास डाल रही है इन मवेशियों को, अभी एक बछड़ा खोला है, बाकी जो है अभी नहीं खोले, अंदर खड़े हैं, इसको जो है डाल दिया है। ये कैसे एक ही खोला है जी? खोलते आ गया, खुद ही खोल के आ गया। अच्छा चलो अब ये मिक्स कर दिया। चलो सही है मसला जी, सुबह हो गई है, ये देखिए बिल्कुल प्यारा प्यारा सा माहौल है सुबह का, और ये थोड़ी थोड़ी सी मलार है बादलों की, अभी सूरज को जो है देर है, बाकी इधर से भी है थोड़े बादल, और बिल्कुल सुहाना मौसम है सुबह सुबह का, प्यारा प्यारा। आज जो मैं जल्दी उठा हूँ बहन भाइयों को प्यारा सा माहौल दिखाने के लिए, माशाल्लाह। जी स्टेना पुत्र उठ गई हो, चाय से पी ली नहीं? पी हाँ जी पी ली है, आपने दे दी थी। हाँ जी पुत्र पी ली चाय, अब रोटी के लिए बैठी हो, रोटी बनेगी तो खाएंगे ना, है ना? चलो सुबह सुबह नाच सुनाओ। चलो माशाल्लाह, अब ठकारे वाले खेलो जोर दी नहीं हंसना आता। चलो अब रोटी शोटी खानी है, चलो बन जाए पत्ते रे, फिर खाएंगे ठीक है। जकिया भी खाएगी? हाँ जी जकिया आपके बारे में बोलती है कि जकिया भी खाएगी, खाओगी ना? खाओगी? हाँ चलो खा लेंगे। हाँ जी ठीक है, खुश हो तबीयत ठीक है? चाय जो है मैं बना के सबको दे दिया है, तो अभी जो है मैं गूंद रही हूँ आटा, तो ये आटा गूंद के तो फिर बनाते हैं रोटी। माशाल्लाह चाय सबको बांट दे। हाँ जी सबको दे दिया है, बच्चों को भी दे दिया है, अब्बू को भी दे दिया है, अम्मी को भी दे दिया है, और इस्तियाना को ठंड लग रही थी, तो इसे बोला भी है कि शाल पहन के आओ, कहती है नहीं मैं नहीं पहनूंगी, बस ऐसे देखे बैठ गई है। इसे भी चाय ठंडी करके दी है, गर्म नहीं पीती ना, तो ठंडी करके चाय दी है, तो अभी आटा गूंद रही हूँ। चलो ठीक है गूंद ले। ओके हो गया। तो देखिए जी माशाल्लाह सूरज जो है निकल आया है, और बाकी वो वहाँ पर जो है ना कौवा भी बैठा है,
ये आ गया, ये बैठा है कौवा बिल्कुल सूरज के पास। हाँ जी और गए, वाह वाह जी, रोटी स्टार्ट कर दी। हाँ जी, सालन है खाने के लिए? नहीं है, चाय के साथ खाना। क्यों, रात बनाया नहीं था? वो तो रात को खत्म हो गया। आप किस चीज के साथ खाएंगे? चाय के साथ। मीठी? नहीं कड़वी। नहीं, रोटी मीठी होती है ना, चाय के साथ मीठी होती है। तो फिर मिर्चा ले आओ। मिर्चा भी नहीं खाते, मिर्चा नुकसान देती है। हाँ जी, रोटी सोटी बन गई? हाँ जी, बना लिया रोटी। हाँ, बोला ना कि खाने की कोई चीज़ ले आई ना। हाँ, प्याज काट रही हूँ, ये बनाऊंगे। आज प्याज का सालन खाएंगे? हाँ जी। सिर्फ प्याज? हाँ, आपने बोला कि आलू देखना वो नहीं पड़े थे, तो यही प्याज पड़े थे। आलू सालन नहीं थे? नहीं, डेली तो ले आते हैं लड़के। नहीं पड़े थे, वो कोई चीज़ लेते हैं ना, फिर साथ में आलू भी डालते हैं ना, तो इसलिए। चलो, ये अकेले प्याज है और कुछ नहीं है, मिर्चें हैं, टमाटर। हरी मिर्च थी वो, अम्मी ने रगड़ के ना वो तिड़का लगाया है, फिर नाश्ता किया है। फिर ये सालन बनाएंगे, एक प्याज का बस। हाँ, खाली प्याज। हाँ, खाली प्याज क्या होता है। चले कोई नहीं, ये भून लें हैं, फिर कुछ चाय के साथ खाएंगे, कुछ प्याज के साथ। अगर और कोई मांगे ना घर से, उनको भी दे देना। जी, ये देखे प्याज ज़्यादा है कुछ, ठीक है जी। हाँ, ये फरमान भाई बोला था, भाभी ने कहा कि हमारे भी साथ बना लेना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए हाल अहवाल, तबीयत सेहत का? ठीक है, फिटफाट है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो रोटी सोटी खा ले। हाँ जी, नाश्ता कर लिया। और अबू ने? वो भी कर लिया। वो आज इतना टाइम हो गया, फिर भी मिस्त्री नहीं आ रहा। नहीं आना उड़े, वो खबर पूछा हो रहा है, या बैठा बंदा वो आधा मिस्त्री आज ही जवाब। उधर बंदा आया है? हाँ जी। कौन? ये नल का हमसाया। क्या बोल रहे हैं? जय मिस्त्री नल गल बात कर रही थी। हाँ। वादे आज ही मिस्त्री नहीं आता, वादे में बड़े फौत के थे गए। फौत के? कल बीमार है, आज फौत के। कल तो उन्हें आपके बेटे बीमार है। हाँ। आज कोई और जगह फौत की हो गई, कोई रिश्तेदारों में, तो उधर जाना है। आज दी मोहलत दो तो कल आएंगे। तुम्हारे अबू ने नंबर मांग लिया है उस बंदे को, मिस्त्री का नंबर मांग लिया, तो आके मैं फिर आप बात करूंगा, ये क्या तरीका हमारे बहे तो और काम खेल लिया होगा, पानी लगाना है, काम करना बाय, तो ये तो तरीका नहीं है जो जो कोई भाई पास काम कर रहा है, क्या कर रहा है जो रोजगार। हाँ, ये तो नाइंसाफ़ी है। चलो खैर, वो तो अल्लाह की रजा, जैसे बात क्या भी हो जाती है, नुकसान आ जाता है, मजबूरियाँ बन जाते हैं, उन्होंने अल्लाह पाक ने उसको दसेना तो नहीं हो जाए, लेकिन वो बड़ी है, जब दुख वाली बात ना हो। चलो आ जाएंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह और ढूंढेंगे जी, उनके जितने जा रहे हैं उनको देखकर। नहीं तो अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करेगा। आवेंगे कल, वहाँ के आज मैं फौत के जाने कल ज़रूर आऊँगा, तो कल हो आए तो पता चले जो क्या होता है। चलो इंशाल्लाह, बाकी दो दिन से ऐसे खड़ा है रूम में। हाँ, बाकी तो वो दो दिन लगेंगे मुकम्मल हो जाता, बस कल की छुट्टी गई थे, आज भी गई बार ना, तो आज जो खत बांध जाता, फाइनल हो जाता, असाई को क्या काम कर लेते, सारे काम रुक के अपने कमरे के पीछे। वो पानी कब से बोल रहा है मालिक? हाँ, पानी हो कने गंदम कोई पानी लावना है, राय खड़ावना है, लोढ़ा वगैरह मारना, माल हमें नुकसान कराना है, इधर दीवार देवनी है, बकरियाँ सारे ठंड लगती है, सारे काम मैं घर दे। चलो कोई तो निभल जाएगा। चलो आ जाते हैं, अब उनसे मशवरा करते हैं क्या करना है। चलो ठीक है। हाँ जी पुत्र, ओ मेरा बेटा, ना पुत्र, गाड़ी साड़ी चला रही हो, बाइक चला रही हो, आपको क्या लगता है चला पाओगी? चलो केक मारो। हाँ, जोर से, ओ तेरी, जोर से। नहीं नहीं लग रही केक, ऐसे तो नहीं बजती बाइक। अरे केक मारो, अठवां गियर लगाओ, जहाज बढ़ाओ।
अरे मुझे एक बात बताओ, दुपट्टा क्यों नहीं पहना था उन्हें? क्या दुपट्टा खारिज करता है? इधर मुंह करके बात करो, दुपट्टा क्या करता है? जलेल करता है। अच्छा पौने लगी है, पौने तो लगी है, दुपट्टा भी लाजम होता है ना। ये देखो बाल, देखो अपने बालों को संभाला है। चलो बाल पीछे करो, बाल पीछे करो, सारे मुंह पे आ रहे हैं। पीछे तो करवाल सारे ऐबे पास हुई, देखा सब मुंह पे आ रहे हैं। दुपट्टा पहनते तो कितनी प्यारी लगती है ना, आप तो दुपट्टा पहनते भी नहीं हो। चलो अभी जकिया को बोलता हूँ, वो दुपट्टा पहना देगी, ठीक है? नहीं पहनना, फिर कोई केले छले नहीं मिलने वाले, कोई केले छले नहीं मिलने वाले हैं। रोती रहो, रोटी भी नहीं देंगे। तो दुपट्टा क्यों नहीं पहनती? दुपट्टा पहनोगी तो बहुत सारे केले ले आएंगे। पहनोगी? नहीं पहनना। चलो खाओ तुम केले, मैं देता हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब समझे बैठे हो केले के अंदर से। चलो चलो ले आएंगे, ले आएंगे। पुत्र मजाक कर रहा था, कितने केले ले आए? कितने? इतने। चलो ले आएंगे, ठीक है, आज ले आएंगे पुत्र के लिए, ठीक है। नहीं नहीं कौशल, रोए नहीं, सब्र करें यार, जब भी आपको देखता हूँ रो रही होती है। नहीं, धुआं आता है, धुआं की वजह से रो रही थी। अच्छा मैं दौड़ा दौड़ा भागा, मुझे बताया गया कि कौशल जो है रो रो कल बेहोश हो रही है, निढाल है, अल्लाह ना करे। तो मैं आ गया। अच्छा धुआं की वजह से रो रही है? हाँ। ओ यार मुझे तो इतनी परेशानी हुई कि मैंने कहा आज मेरे जाने को क्या हो गया है। चलो बुनाई कर ले, मजाक कर रहा था। अभी डाले लाल मिर्ची और प्याज की शक्ल देखें ऐसी है, लाल मिर्ची भी डाल दी और अभी सफेद प्याज खड़े हैं। हाँ ये इसकी भी बुनाई होती रहेगी ना। चलो आज देखते हैं खाली प्याज की जो ना कैसी रेसिपी बनती है। पहले तो खाया था। हाँ आज बहन भाइयों को दिखा रहे हैं ना कैसे बनती है। हाँ, खाली तो प्याज अगर अंडे होते ना तो ले आते, क्या मजा आता। तो ले आते ना। तो यहाँ पर देखें, ये मैं नाश्ता जो है ले आई हूँ, ये हमारी रोटी और ये सालन जो बना के ले आई हूँ, और ये पानी भी रखा है, और इरफान को भी बुलाया है, कब से यहाँ पर वेट कर रही थी, पता नहीं कमरे में क्या कर रहा था। यहाँ पर रोटी भी ठंडी हो चुकी है और सालन भी ठंडा हो चुका है। अगर सौ काम होते हैं बंदे के, ये तो नहीं है मैं फ्री बैठा था, अंदर भी कोई काम कर रहा था। हो गया काम जी? हो गया, अब रोटी भी आ गई है। बिस्मिल्लाह कहते हैं, ये हमारे प्याज का सालन जो मैं बता रहा था। हाँ वो रेडी हो चुका है, जिस बहन भाई को खाना है वो क्या हमारे साथ खा ले। हाँ जी चलो जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम, हाल अहवाल? तो बेहद सेहत, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। नाश्ता वगैरह हो गया? नाश्ता कर लिया, वेले हो गए, अभी कहीं जा रहे थे, मैंने रोक लिया। हाँ वो काम से जा रहे थे। चलो वो बात करने थी, एक तो मिस्त्री तो वैसे नहीं आ रहे हैं। हाँ। अम्मी से पूछा है। अच्छा बता रहे थे फौतगी हो गई है मेरे को। हाँ वो मिस्त्री के रिश्तेदारों में फौतगी हो गई, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। कल भी नहीं आया था, उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, दवाई लेने गया था। आज हम इंतज़ार में थे तो फिर वो बंदा आ गया, बता रहा था कि वो नहीं आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों में ना फौतगी हो गई। मैंने कहा कोई भाई या कोई और होता है उनके चले जाए, तो उसने फिर फ़ोन मिला दिया, बात की मिस्त्री से, वो कहता है यार मेरे भाई घर में नहीं है, कोई लाहौर में है, कोई कहाँ है, मजदूर आदमी है ना, तो मैं अकेला खड़ा हूँ तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो आज की माजरात, बहुत माजरात कर रहा था, कल सुबह से आएँगे इंशाल्लाह, फिर छुट्टी नहीं करेंगे जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मजबूरी है। चलो ये तो कुदरती निज़ाम है, दुख सुख आ जाते हैं। हाँ जी, बाकी अगर वो ना आए, उनका इरादा ना हुआ तो कोई और ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं वो आएगा ज़रूर, वो आज उसने पक्की बात की है, मदद कर रहा था भी आज मैं नहीं आ सका, आज आना था, वो अचानक फौतगी हो गई, दुख सुख तो होते हैं। तो सामान वगैरह भी उसका इधर ही रखा हुआ है, और कहीं काम भी तो नहीं कर रहा है, सामान ले जाता अगर काम करता।
तो ऐसी बात नहीं है, वो आएगा ज़रूर, काम तो करेगा, अच्छा आदमी है। वो बंदा भी बता रहा था, वो कहता था मुझे 10 साल सेवा किया था मेरी, बहुत अच्छा आदमी है, मेहनती भी है, काम भी करता है, लेकिन वो मजबूरन नहीं आ सका। चलो कोई नहीं, कल तो आ जाएगा। हाँ कल इंशाल्लाह आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए तबीयत का? तबीयत ठीक है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह नाश्ता हो गया? हाँ जी, नाश्ता तो कब का हो गया। माशाल्लाह, तो जानवरों को घास भी डाल दिया? हाँ जी डाल दिया, सुबह सुबह तो डाला था और भी पड़ा था, और हम डाल दिया। दो बार डालते हैं ना, दो बार शाम को और दो बार सुबह। एक बोरा होता है, बस चार टाइम आ जाते हैं। वो पैसे से मिलता है, मौसम तो नहीं मिलता, चार चार बोरे ले आए जी, जितनी फुर्सत होती है ले आते हैं। चलो अपना घास जब हो जाएगा तो फिर रज के खाएंगे इंशाल्लाह। पानी तो लगाना है ना घास को अभी? हाँ पानी लगाएंगे जब सब चीज़ को एक साथ लगाते जाएंगे जी। तो ये काम ख़त्म होगा तो फिर तो पानी, इसीलिए खड़े हैं, ये काम मुकम्मल हो जाए फिर एक दूसरे काम पे पानी पे खड़े हो जाएं, फिर जितने दिन लगेंगे पानी पे लगाएंगे। यही रूम बनेगा तो और काम हो गए। रूम पे पीछे फंसे खड़े हैं। इधर पता नहीं क्या वजह है, मिस्त्री भी ऐसे हैं, वो अपने इलाके में पीछे होते थे ना, तो मिस्त्री उधर आते थे तो टिक जाते थे, जब तक काम मुकम्मल नहीं होता था कोई छुट्टी नहीं करते थे। इधर तो पता नहीं नखरे करते थे ना, नखरे करते हैं मिस्त्री, क्या करें, मिन्नत करनी पड़ती है यार, काम कर दें, मेहरबानी करें। ये जो पहले आया था ये भी ठीक था, ये भी अपना रिश्तेदार था, वो तो इधर ही रहता था ना हमारे पास, जैसे वो अहमद साहब अहमद वालों के घर में वो मिस्त्री रहते थे, रात दिन काम उधर ही लगे रहते थे ना, ये भी पहले भी हमारे पास ही रहता था, इधर ही रहना उठना बैठना, बच्चे भी लेके आया था फैमिली समेत, ऐसे फैमिली बच्चे, जब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ वो घर नहीं गए। हाँ रिश्तेदार था ना, तो इधर तो है मिस्त्री, वो आते हैं चक से, कभी काम कोई काम पड़ गया, कभी कोई पड़ गया, गैर तो गैर होते हैं, गैरों को क्या भरोसा। हाँ जी यार मजदूरी देते हैं, गैर हूँ या अपने हूँ, हमने तो देनी है मजदूरी, काम उन्होंने करना है, अपनी दिहाड़ी बनानी है, मजबूरन नहीं आ सकते तो इसमें कुछ फायदा, मजबूरी दुख सुख आवेंदा ना बेटा, हम पता लग गया हमारे साथ दुख आ जाए, कोई मसला बांध जाते, अल्लाह ताला जानता है सब कुछ, इतना नहीं कहना चाहिए, जो कल का दिन गुजर गया तो आज ही गुजर जाएगा, कल आ जाएगा ना, काम तो ठीक कर देना, काम तो अच्छा कर दे, कल इंशाल्लाह नबेट जाएगा ना, कोई मसला नहीं, जो दे जो खैर बस कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन बन जाएगा ना जी। तो आजकल दुनिया ऐसी चल रही है कि अपनों का भी कोई एतबार नहीं है। हाँ। अपने ज़्यादा ठोकरे मारते हैं आजकल। हाँ ये बात सही है, अपनों से गैर अच्छे हैं आजकल। बाकी ये टेंशन होती है काम रुक जाए तो कौसा रोने लग जाती है। चलो बात याद आई है, काम हो जाएगा, अब शुरू हो जाए तो हो जाएगा, रोना नहीं है। बात याद आ गई, फरमान भाई बोल रहे थे कल से परेशान किया उन्होंने, क्या बात, कमरा मैंने लेना है, मैंने लेना है। नहीं मैंने उसे बताया है कि कमरा इरफान का है, वैसे आप रह लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन नाम जो है वो इरफान का ही है, जो पहले बना हुआ है वो फरमान का है, जो आप बन रहा है न्यू रूम वो आपका ही है। उसने मैंने भी यही बोला कि अबू जैसा बोलेंगे। हाँ वैसे तो मिलजुल कर रहते हैं, बाकी ये मैं उसे बताया है कि बच्चों वगैरह के जो एक दो चार पहियाँ हैं वो डालेंगे, इधर डालें उधर डालें, लेकिन मिलजुल के रहें, सर्दियाँ तो निकालें, बाद में देखेंगे, बच्चों के लिए भी बना लेंगे कमरा, तो अभी जो है फ़िलहाल दो कमरे बन चुके हैं ना, दो कमरे दो नाम हैं आपके फरमान का, बस यही है। बहस करते हैं बार बार, लड़ भी रहे थे। नहीं कोई लड़ाई नहीं करनी, जब लड़ाई करें तो मुझे बताना, मैं बैठा हूँ। उसे तो मैं खुद भी बता देता हूँ भाई, जो बात है उसे जाके करो। जब बड़े घर पर होते हैं ना तो खुद फैसला करते हैं, तो कल यही बात हो रही थी ना कि अबू फैसला कर दिया कि ये रूम जो है फरमान भाई का और यो वो जो है वो आपका है, तो यही बताया था ना। हाँ जी बिल्कुल, अपना वो ये हक बंदा इरफान, न्यू कमरा तेरा, ये फरमान का प्लस्तर जो है फरमान का होगा, हूँ तुम्हारा आगे जरा फुर्सत होगी, ये हक बंदा ना जो पहले करेंगे जी, वो तो पता है, अबू को भी पता है। हाँ जी पहले प्लस्तर तो यही होगा, इंशाल्लाह जब करवाएंगे तो, जब ये प्लस्तर हो जाएगा फिर सब कहेंगे यार यही हमारा है। नहीं नहीं ऐसा हमारे ईटे नए लगी है, ये पुरानी है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक और देगा, वो भी करवा लेंगे।
दुआ करें इंशाल्लाह एक साथ ही प्लास्टर हो जाए। मिस्त्री जब लगा है तो फिर बाद में मिस्त्री मिलते नहीं है, काम मुकम्मल हो जाए, दुआ करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जल्दी जो है ना ये हमारे मुश्किलात आसान कर दे इंशाल्लाह। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है, हालात बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर वक्त। काफ़ी पहले से हालात बेहतर हो चुके हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अल्लाह करम करेगा, दुआ करते हैं कि आपको भी अल्लाह ताला तरक्की दे, कामयाबी दे, तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे माशाल्लाह। ओके ठीक है, आप जाएँ अपने काम से पहले।